वाओ, जबरदस्त एक्साइटमेंट है। और मैं पंजाब में जब भी आता हूँ ना, तो मैं जब वापस जाता हूँ फुल्ली लोडेड जाता हूँ। मैं तो यहाँ की लोगों की एक्साइटमेंट देख के खुद एक्साइट हो जाता हूँ। ओके, और आप यहाँ तो बोलते हैं ना फटे चक देने, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, बस आज भी वही करना है। ओके, मेरा तो एक सपना है कि कभी जाके मतलब आप लोगों को वहां लेके जाना है, और आप लोगों को स्टेज पे बुला के आपकी कहानी वहां कोल्हापुर में सुनानी है। बहुत जल्द होने वाला है, इनफैक्ट जलंधर के लोग आ भी रहे हैं अभी, हरलीन साहब तो आके गए। तो सेमिनार शुरू करने से पहले इनफैक्ट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस भगवान का जिसके वजह से मैं बिजनेस में हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको भगवान का शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ। एक छोटी स्टोरी है, एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा होता है और वहां पर एक आदमी रो रहा होता है और भगवान की प्रार्थना कर रहा होता है। तो जाता है उसके पास, बोलता है कि तुम भगवान की प्रार्थना जंगल में क्यों कर रहे हो, शेर खा जाएंगे तुमको। तो बोलता है कि मैं भगवान को थैंक्स दे रहा हूँ। बोलता है यहाँ पर जंगल में? बोलता है हाँ ना, मैं गधे पे बैठ के आया था, मेरा गधा खो गया, तो मैं उसकी थैंक कर रहा हूँ। तो तेरा गधा खो गया तो थैंक यू बोल रहा है? बोलता है मैं थैंक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गधे पे नहीं बैठा था, नहीं तो मैं भी खो जाता, ठीक है ना। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द गॉड कि उनकी वजह से मुझे ये बिजनेस दिखा। वैसे मैं थैंकफुल हूँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का, जिन्होंने ये सिस्टम बनाई जिसकी वजह से आज मैं स्टेज पे हूँ। उसी के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ जेवन एंडल और रिच डिवोर्स का, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी एमवे अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बनाई, इतना साफ सुथरा बिजनेस। वैसे मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी सारी अप्लाइंस का, जो मेरे स्पॉन्सर है नासिर एंड फरजाना काजी एमरल्ड्स इन द बिजनेस, डॉक्टर बलदेव तनेजा जो यूएस से अभी इंडिया में गए, एक साल से रह रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं। लाइफ में बहुत कुर्बानियाँ दी उन्होंने हमारे लिए, जो सिर्फ माता पिता दे सकते हैं वो हमारे लिए वो कर रहे हैं। वैसे मैं थैंकफुल हूँ नलिनी शेट्टी का, जॉन पिकरली, जिम डूसिक और हमारे जो डायमंड है जॉन क्रो, वी आर फ्रॉम जॉन क्रो। और वैसे मैं थैंकफुल हूँ बिल एंड पैगी ब्रिट का कि इतनी बढ़िया सिस्टम बनाई। सोच के देखिए, यहाँ पर हर तरह का आदमी इकट्ठा है, हर धर्म का आदमी इकट्ठा है, हर जाति का आदमी इकट्ठा है, हर तरह का पढ़ा लिखा अनपढ़ हर आदमी इधर इकट्ठा बैठा हुआ है। कितनी बढ़िया सिस्टम बनाई है, सोच के देखिए, इतना दूर से लोग आके सिखाते हैं, हमने भी सीखा है। और वैसे मैं थैंकफुल हूँ बहुत सी क्रॉसलाइन डायमंड्स का, जो यूएस से आए, खुद का पैसा, खुद की एफर्ट्स, खुद की एनर्जी उन्होंने खर्चा की और यहाँ पर आके हमको सिखाया। जितने यूएस से जो डायमंड्स है, कुमार हैं, कुलिन देसाई साहब हैं, कांति गाला, कांति लता गाला, कांति हेमी गाला, नाम बहुत लंबे चौड़े, बहुत लोग हैं, सारों का शुक्रगुजार करता हूँ। क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर नहीं आते तो आज मैं स्टेज पे नहीं होता, मैं इतना बड़ा नहीं होता। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दिस पीपल। और ये सेमिनार ऐसा करेंगे हम लोग कि पहले मेरी वाइफ आके स्टोरी सुनाएगी कि उसका लाइफ क्या था, और फिर मैं आऊँगा। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माई ब्यूटीफुल वाइफ स्नेह देसाई। मेरा नाम स्नेहा देसाई है, मैं कोल्हापुर से आई हूँ और मैं महाराष्ट्रियन हूँ। पंजाब में आने का मौका इस बिजनेस से मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अप्लाई नासिर एंड फरजाना काजी है और वो हमें माता पिता के जैसे, मैं उनके थैंकफुल हूँ। और मैं आज जो भी हूँ, ये स्टेज पे मैं आज खड़ी हूँ तो ब्रिज सिस्टम की वजह से हूँ। ये एजुकेशन इतना स्ट्रांग है कि मेरी जैसी लड़खड़ाती औरत भी आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो भी मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं सरदार जी के ऐसे बचपन में ऐसे सरदार जी लोग देखती हूँ, मैं बहुत डरती थी, लेकिन क्यों नहीं मालूम। लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद कॉलेज नांदेड़ में कर ली थी और नाना जी के घर में रहती थी, मैं उनको नाना जी बोलती थी। लेकिन आज मैं जो पंजाब का नज़ारा देख रही हूँ तो ये ब्रिट सिस्टम की वजह से और ये अपने अवे बिजनेस की वजह से। तो एक्चुअल मैं स्टाफ नर्स की ड्यूटी करती थी, आज 12 साल से मैं सर्विस करती थी, लेकिन आज मैं 3 महीने से फ्री हूँ, टोटल फ्री हूँ और मैं सर्विस में नहीं जाती हूँ। तो मैं जब से मुझे समझता है कि मैं छोटी थी लेकिन घर में मैं सब में बड़ी थी। छोटेपन से ही मुझे पैसों का बहुत प्यार था, मैं पैसों से बहुत प्यार करती थी और मुझे पैसा बहुत अच्छा लगता था। तो बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि बहुत पैसा होना अपने पास ये, लेकिन मैं इस बिजनेस में पैसों से ही आई थी। लेकिन आज मैं पैसा छोड़कर बहुत कुछ देख रही हूँ।
ऐसे फ्रेंडशिप और इतना प्यार कौन से बिजनेस में तो मिलता ही नहीं है। कितना रिस्पेक्ट है, कितने लोग एक जगह आते हैं और ऐसा लगता है कि एक छत के नीचे बैठे तो एक घर के लोग हैं। तो ये मैं छोटी भी होने से इतनी बड़ी हूँ, आज तुम्हारे सबकी माँ हूँ, तो ऐसा लगता है। बहुत खुश हूँ मैं। मेरा बर्थ छोटे से गांव में हुआ था जहाँ की 7वीं तक पढ़ाई होती थी। तो मैं 7वीं में मेरी ख़त्म हो गई पढ़ाई की। मेरे पापा फार्मर थे, अभी भी है, लेकिन वो पढ़ाई के खिलाफ थे। वो बोलते थे लेडीज़ के लिए पढ़ाई कुछ काम की नहीं है, ऐसे हालत के थे। वो खुद 10वीं तक पढ़े थे लेकिन मुझे स्कूल जाने के लिए रोकते थे। लेकिन मैं बहुत ज़िद्दी थी बचपन से ही। मुझे अभी पैसा तो कमाना है, सर्विस तो करनी है, ये मेरी ख्वाहिश आखिरी तक ले जाने की मेरी ख्वाहिश थी। और मैं जिद से बाजू वाले गांव में जहां तक 10वीं तक मैं पढ़ाई कर ली। बहुत बार तो हमारे बसेस भी नहीं आती थी तो मैं पैदल जाती थी, आती थी जाती थी, लेकिन सुनती नहीं थी कभी। और मेरी पढ़ाई ऐसी 10वीं तक हो गई और मैं 11वीं 12वीं मैं नांदेड़ ज्वाइन कर ली। और वहाँ वो 12वीं का पढ़ाई ख़त्म होने के बाद और आगे चलने के लिए और भी रोकते थे, घर वाले भी रोकते थे और बाजू वाले भी रोकते थे। बोलते थे हमारे खानदान में कोई सर्विस वाले नहीं रहते, सर्विस करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बोलते थे। और वहाँ से मैं औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर ली और वहाँ 3 साल ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मेरे ये सब पढ़ाई के लिए तो मेरे दादी का सपोर्ट बहुत था। मेरे पापा की मम्मी वो बहुत स्ट्रांग थी। वो बोलती थी मेरी प्रियदर्शनी है, जब प्रियदर्शनी नाम नहीं था लेकिन आज बोलती है कि वो मेरी प्रियदर्शनी है। और उसने सपोर्ट करके मुझे ये आज तक मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है। और मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे और मेरी जैसे कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैं सर्विस को लग गई और मेरी मम्मी एक्सपर्ट हो गई। उससे पहले जब छोटी थी मैं 5वीं 6वीं में पढ़ती थी तो क्या हो गया था, मैंने क्या करी थी, मम्मी को पैसे हरदम मांगती थी चॉकलेट खाने के लिए, कुछ तो खाने के लिए। छोटे पन में ऐसा ही लगता था कि मुझे पैसे होना, तो मैं मम्मी को हमेशा पैसे मांगती। वो बोलती थी क्या पैसे पैसे रोज़ रोज़ पैसे कहाँ से देना तुझे, पैसे का क्या झाड़ लगा हुआ रहता क्या। तो मैं बोलती थी सब झाड़ रहते हैं फिर पैसे का क्यों नहीं रहता, आपके घर में भी है खेते में भी है। तो मैं ऐसा 25 पैसे का कॉइन लेके ऐसा जमीन में गाड़ के रोज़ रोज़ पानी डालती थी, स्कूल जाते आते टाइम में पानी डालती थी। और मैं मुझे पूछ लिए एक दिन कि ऐसा कैसा हो गया, तू क्या क्या लगाए रोज़ रोज़ पानी क्यों डालती है। तो मुझे ऐसा डांट कर पूछ ली, फिर मुझे रोना आया तो बोलना पड़ा ऐसा। मैं बोली 25 पैसे लगाए उसमें, तो निकाल के दिखाओ, तो काला काला हो गया तो और भी रोई मैं। तो मुझे ऐसा प्यार से समझा कि फिर उसने बोली कि पैसे लगाने से पेड़ नहीं उगता पैसे का, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है उसने सिखाया। मेरे गांव में 2 नर्सेस थे और 2 टीचर थे, उसको ही देख देख कर मैं कुछ तो कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा फिर तुझे ऐसा होना है ना, ये टीचर बनना है या नर्स बनना है, कुछ भी बनना है या पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ तो उन्होंने समझा के बोल दिया। फिर मुझे लगा कि पैसे का झाड़ नहीं रहता है, जैसे कि अपने हमें बिजनेस में भी किट लगाने से थोड़ी पैसा मिलता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं फिर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद घर आई और 2 महीने में मेरी मम्मी का एक्सीडेंटली देहांत हो गया, वो एक्सपायर्ड हो गई। फिर मेरे घर में जो छोटे बच्चे थे, जो मेरे 2 भाई और 2 बहना थे, तो उसके लिए मुझे बहुत दिन सर्विस करनी पड़ी। तो मुझे बचपन से ही मम्मी का रोल करना पड़ा और मैं बहुत 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 दिन ऐसे 10-12 साल सर्विस करती गई। उनका पूरा सबका एजुकेशन, उनकी शादी और तीनों को मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनाई। आज 10,000 वो कमा रहे हैं। जो आज वो मेरा छोटा सबसे छोटा भाई था वो MSc बीएड हो गया। और फिर उसके बाद मेरी सोच लेनी, सब बोल रहे थे कि इसकी शादी बनाएंगे, तो मैं बोलती थी मुझे शादी नहीं करना।
मैं तो खुश नहीं थी क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे नर्सेस लोगों के बहुत से हस्बैंड उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारे उधर महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि बहुत से नर्सेस लोगों के मिस्टर सर्विस ही नहीं करते थे, कुछ तो साइड बिजनेस करते थे, और मुझे देखकर ऐसा लगता था मुझे भी ऐसा मिला तो बहुत परेशानी आएगी। और मैं शादी करने के लिए तैयारी नहीं होती थी। तो कुछ दिनों के बाद मेरा छोटा भाई बोला, मैं तो हो गया, क्वालिफाई हो गया, लेकिन मुझे शादी नहीं करने की, क्योंकि तेरी शादी नहीं होती जब तक मैं तो शादी नहीं करूँगा, ऐसा ही बोलता था। और मेरी शादी के लिए सब घर वालों ने सोच ली, लेकिन मैं बोलती थी मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो कि बहुत पैसा कमाने वाला हो और मेरे से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हो उसकी। तो मैं बहुत लोगों को नाम रखती थी, है ये खाता है, ये पीता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मुझे डिपार्टमेंट में बहुत लोग चिढ़ाते थे कि तुझे कैसा होना चाहिए, तो मैं ऐसा होना बोलती थी। जैसा मैं सपना रचाया था वैसा ही मुझे एमवी डिस्ट्रीब्यूटर मिला। लेकिन मैंने इनका लेटर पैड देखी थी, ये लेटर पैड था बीएससी एलएलबी, और इनका घर देखी थी, जॉइंट फैमिली देखी थी। इनके घर में बहुत से लोग रहते हैं, मम्मी पापा, इनके दो भाई, उनके दो औरता, ये और एक दो बच्चे थे घर में, एक बच्चा था और एक हमारा एक था। अभी इनकी स्टोरी में सुन लीजिए बाद में क्या होता है। तो ये देखने लेने के बाद, और इनके घर में मारुति भी थी, घर मस्त था, बंगला था, अच्छा सा था, बात करने में भी अच्छी थी। मेरा इंटरव्यू लिए 2 घंटे, ऐसे ही बोली मेरी चॉइस है। मैं सोच ली थी कि इनका इंटरव्यू मैं ले लूँ, लेकिन इन्होंने मेरा इंटरव्यू भी ले लिया। तो उनकी अच्छे बुरी जो भी आदती है वो सब बता दिए। फिर मैं कुछ नहीं बोलती, इनका लेटर पैड देख लिया और इनकी पर्सनैलिटी देखते मुझे लगा कि बहुत अच्छी ख्वाहिश, इनकी बात करने की भी आदत बहुत अच्छी है, चलो यही अच्छा है। तो मेरा गांव और इनके गांव में डिफरेंस है 500 किलोमीटर का, लेकिन गॉड प्लान से ये मेरी शादी इनके साथ तय हो गई। और मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रैक्टिस करते होंगे, घर में काला सूट भी दिखता था, बड़े बड़े बुक्स थे ऐसे लॉ के, अच्छा है बोल के मैंने हाँ कर ली। और इनके साथ शादी होने के बाद कुछ दिनों में मतलब 8 दिनों में ही मैं रोज़ सुबह से ड्यूटी करके शाम घर आती थी, मतलब 3-4 बजे आती थी, थक के आती थी, और इनका 6 बजे शुरू होता था तैयार होना। बोलते थे मेरी मीटिंग है, तो मैं थोड़े दिन सुन ली मीटिंग, मुझे क्या मालूम, इतना इंटरेस्ट मैं लेती नहीं थी, लेकिन वो बोलते थे मेरी मीटिंग है। हमारे गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा नहीं होता कि रोज़ रोज़ मीटिंग कहाँ से रहती, कभी 6 महीने में कभी तो मीटिंग होती थी, लेकिन ये रोज़ रोज़ मीटिंग कहाँ जाते हैं, मेरा पूछने का भी ऐसा अंदाजा नहीं रहता था कि क्या है तुम्हारी मीटिंग बताओ। लेकिन 1 महीना देख ली मैं, थोड़े दिन के बाद और बोली, 6 बजे जाते थे, रात के 12 बजे आते थे, और फ़ोन को चिपका के बैठते थे, कब तक फ़ोन चलता रहता था, ऐसा खाना भी लगाए तो 1-1 घंटा खाना नहीं खाते थे, फ़ोन आया कि खाने पर से उठते थे, इतना भी मैं समझती थी ऐसी मीटिंग क्या है। बोले दिए थे कि हमारा एक कुछ तो एमवे बिजनेस है, तो मैं सुन ली थी, नहीं सीरियसली नहीं लिए थे कुछ भी। तो ये और भी 1-2 बजे थे रात के सोने के लिए, फिर इनका रोज़ रोज़ ऐसा ही चलता रहता था, तो मैं बहुत तंग आई थी। फिर मैं इनके साथ रोज़ झगड़ती थी, सचमुच मेरा और इनका बहुत दिन झगड़ा होता था, मैं इतनी नेगेटिव थी, बहुत नेगेटिव थी, लेकिन मैं आज 100% पॉजिटिव हूँ क्योंकि ये हमारे बिजनेस की वजह से। मैं बहुत बार रोती भी थी, सबके साथ घर में बोलती भी थी, घर वाले भी बोलते थे, मेरे ससुर जी भी सीए है, और वो भी बोलते थे कि ये पागल है, इसके पीछे मत जाओ तू, और ये कुछ तो साबुन बेच रहा है, और ये कुछ तो शैम्पू बेच रहा है, और कुछ तो ग्लिस्टर बेच रहा है, मैं इनको सीए करके रखा है, एलएलबी भी प्रैक्टिस करते करते ये छोड़ के ये कुछ तो कर रहा है, इनके पीछे मत जाओ। मुझे भी ऐसा लगता था सचमुच ये गए काम से, कुछ तो कर रहे हैं। तो इसमें से और कुछ दिनों के बाद ये बोल दिए कि मुझे अभी अब क्या करना, बोलते थे मुझे सिल्वर जाना है इस महीने। मैं बोली कैसा सिल्वर रहता है वो, चलो बोले सिल्वर है, सिल्वर होना है मुझे इस महीने में, मैं नहीं सिल्वर गया कोई देख तो मुझे, मैं गद्दी पे नहीं सो जाऊंगा, मैं यहाँ सो जाऊंगा, नहीं नीचे सो जाऊंगा, चटे पे सोते थे। अगले महीने नहीं सिल्वर बनूंगे, इस महीने में नहीं बनूंगे तो क्या करोगे, तो बोले मैं इस महीने में नहीं बनूंगा तो फिर नीचे जाके सटे पे सो जाऊंगा, नीचे लॉन पे सो जाऊंगा। और मैं बोली वही महीने में नहीं बनूंगे तो, वो बोले मैं रोड पे जाकर सो जाऊंगा। तो बोले ये क्या मुसीबत आई है हमारे पीछे ये, मैं बोली शादी करके और पछता रही हूँ, मैं तो पहले से नहीं बोलती थी मैं। तो
ऐसा ही चलते आए, लेकिन भगवान नहीं करे कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, उसी महीने में हम सिल्वर बन गए। वो महीना था मई 2000, तो जून महीने में मेरा बर्थडे था और केक खाने का है, चल बोले तेरा बर्थडे है तो वहाँ सेलिब्रेशन करेंगे, मेरा कुछ तो है, तो मैं बोली चलो इनके साथ साथ टाइम पास करने के लिए मैं इनके साथ साथ चली। और ऐसा माहौल था, आधा हॉल जैसे कि इतना भरा हुआ था और मस्त पैलेस था, वहाँ ऐसी लाइट म्यूजिक चल रही थी, बहुत सब लोग एक्साइट दिख रहे थे, सब लोग हेलो हाय कॉन्ग्रेचुलेशन क्या क्या कर रहे थे, मैं बहुत खुश हो गई। मैं बोली चलो कुछ पैसे नहीं है तो नहीं, सिल्वर नहीं है तो नहीं, लेकिन लोग तो बहुत मस्त दिख रहे तो अच्छा हो गया। बोली उस दिन से फिर मैं कुछ दिनों के बाद मैं हरभजन साहब हमारे नांदेड़ आए थे, वहाँ तो बड़ा हॉल भरा हुआ था, उनका सेमिनार देख के तो और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उनका मैं चेक देखी थी 32 लाख, तो उनके चेक की मैं जेरोक्स करके ली, क्योंकि मुझे भी बहुत चिढ़ाते थे हॉस्पिटल में, लोग बोलते थे तेरे हस्बैंड वकील थे, यहाँ सामने हॉस्पिटल के सामने कोर्ट था, तो वो बोलते थे कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, मुझे ऐसा प्रूफ मिल रहा नहीं था कि वो प्रैक्टिस करते हैं, अभी कुछ भी नहीं, मैं तो कभी ऐसा अभी क्या बोलूँ कुछ समझ रहा नहीं था, तो मैं वो चेक दिखाती थी बहुत से लोगों को, मैं हरभजन साहब का हमारा बिजनेस का चेक दिखाती थी, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। और उनके बाद मैं कुमार शिवराम कृष्णन का भी फंक्शन देखा था उधर बॉम्बे में, उनके उसके बाद मैंने हेमी गाला कांति गाला का, वो तो 25,000 लोग थे, इतना बड़ा हॉल भरा होता, और मैं अजब से बहुत पॉजिटिव हो गई, और उस दिन से हिंदुस्तान की नारी का मैं फर्ज निभा रही हूँ, आज तक इनके पीछे पीछे आ रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बोलते थे कि तुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुझे सर्विस की ज़रूरत नहीं है, तो जो चाहो मांग लो और मेरे साथ साथ चलते रहना, चुप चलते रहना। और मैं ऐसे ही करती रही पहले पहले दिन कुछ दिन, कि मुझे ऐसा लगता था चलो बैठना आना जाना, ऐसे डायमंड लेडी बोलती थी, उनकी ज्वेलरी देखना, साड़ी देखना, उनकी स्पीच अच्छी लगती थी, ऐसा टाइम पास करने के लिए आती थी मैं पहले, क्योंकि मैं कभी टेप नहीं सुनती भी नहीं थी और बुक भी पढ़ती नहीं थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट आने लगा जब कि मुझे क्या मालूम कि ऐसा स्टेज पे आके बात करना पड़ता है कभी कुछ दिन के बाद कभी मैं नॉलेज के बारे में सोच ली भी नहीं थी, ऐसा आना जाना बैठना और दोस्ती कर लेना, बहुत से लेडीज लोगों के साथ दोस्ती भी हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज मैं 3 महीने से टोटल अभी मैं सर्विस छोड़ दी पूरी, और सिर्फ मैं ऐसे कैसेट सुनती रहती, कभी तो गाने का कैसेट तो सुनी नहीं, और इनके साथ साथ जैसे शादी हो गई तब से मैंने एक भी पिक्चर नहीं देखा, पिक्चर तो नहीं थे, न्यूज़पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एमवे मीटिंग सेमिनार बिजनेस, ये इसमें हम बहुत खुश हुए। तो आज तक मैं देखो मैं आज जो भी हूँ ये मैं अपने एमवे बिजनेस की वजह से हूँ, और मेरे जो अभी हम बैठे उठे खाते पीते सोते तो एमवे का नाम लिए बगैर कुछ भी काम की शुरुआत नहीं होती, हम एमवे का भी एक हिस्सा ही बना हुआ है। तो मेरी एक स्टोरी अभी होने के बाद मैं इनको इनवाइट करती हूँ, प्लीज कम किरण जी। वाओ ग्रेट। सो फ्रेंड्स, इनफैक्ट मैं जब पैदा हुआ बहुत छोटा था, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बिजनेस में भी 0% से शुरू किया है। ये बिजनेस ऐसा है कि कोई यहाँ पर सीधा एमरल्ड नहीं बनता, कोई यहाँ पर सीधा डीडी सिल्वर नहीं बनता, हम लोग भी 0 से स्टार्ट करते हैं। और मेरी पैदाइश हुई है बहुत ही गरीब फैमिली में, मेरे पापा तभी पढ़ाई करते थे, इनफैक्ट हम 3 भाई हैं, मेरा बड़ा भाई भी था, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो टीचर थे, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था, उनको किसी ने बोल दिया कि तुम बीकॉम किए हो सीए क्यों नहीं करते हो, तो वो चले गए बम्बई सीए करने के लिए, और मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट सर्वेंट थी आरटीओ में, तो पापा बम्बई में पढ़ते थे, तो पढ़ाई के लिए तभी मम्मी का सपोर्ट था। और जैसे मैं पैदा हुआ मम्मी को नौकरी भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि दो दो बच्चे दोनों हैरान करने वाले और मैं तो ज़्यादा हैरान करता था, तो फिर नौकरी छूटने के बाद बम्बई आ गई मम्मी भी, पापा तभी एक जगह पे पेइंग गेस्ट करके रहते थे, घर के एक आदमी के घर के बाहर बिस्तर डाल के सोते थे, तो उनको घर लेना पड़ा और उस घर में हमने रहना शुरू किया। बहुत बड़ा मकान था हमारा, इतना बड़ा मकान था कि हम थे तो दो बच्चे और माँ बाप, लेकिन अगर पैर लंबा भी कर दिया ना किसी और को लग जाता था, इतना बड़ा मकान था हमारा।
ओके, वो 8x10 की खोली थी, उस खोली में बाथरूम भी था, उस खोली में किचन भी था और उस खोली में बेडरूम भी था। बहुत बढ़िया घर था वैसे। और एक जो चीज़ लगती है उसके लिए बाहर जाना पड़ता था, समझ गया ना आप लोग, वो घर में नहीं थी। ओके, बम्बई में बहुत लोगों का बाहर ही होता है। और एक आपको बताता हूँ, बहुत मज़ेदार घर था वो, क्योंकि जब बारिश आती ना तो बारिश का अनुभव लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती थी, छत से पानी आ ही जाता था। बहुत बार हम लोग छाता लेके सोते थे, रेनकोट पहन के सो जाते थे, और घर में सारी मम्मी कपड़े सुखाती थी। बहुत बढ़िया लगता था रेनी सीजन, छाता लेके रेनकोट पहन के सो जाओ। कभी पहन के सोए आप लोग? मैं तो वैसे ही सोता था। तो फिर थोड़ा ऐसे बड़े होने लगे, और डैडी क्या करते थे, हमारे डैडी भी बहुत एम्बिशियस थे, तो घर चलाने के लिए वो जब ट्रेन से आते थे ना तो अगरबत्ती बेचा करते थे ट्रेन में, ताकि घर अच्छा चले। और बहुत सपने थे उनके हमारे लिए, तो उन्होंने हमको कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया। इनफैक्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन हमको कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया। हम तीनों भी कॉन्वेंट में पढ़े हैं। और मुझे अभी भी याद है मेरा बचपन, कि जब मैं स्कूल जाता था ना, इतनी लंबी चड्डी होती थी मेरी, इतनी लंबी, जिसके यहाँ भी 4-5 बटन होते थे, ताकि ढीली करे, वो पहले फिट और बाद में ढीली ढीली ढीली। वो क्यों था पता है क्या? ताकि वो ज़्यादा साल तक चले। ओके, जैसे केजी में यहाँ तक है, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, समझ गए, आगे से ठीक हो जाती थी। ओके, आगे से ठीक ऊपर ऊपर आ जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम पीछे से आ जाता था, पीछे से फट जाती, फिर मम्मी उसको पैच लगा देती। अब कैसे था पता है, वो पैच लगाने के बाद ऐसा था कि लोगों को तो नहीं दिखना चाहिए, अपना कुछ भी हो, आगे से चड्डी ठीक लग रही है, पीछे से भी ठीक लगनी चाहिए, तो मैं बैग नीचे तक बांधता था, यहाँ तक, और ऐसे ऐसे स्कूल चला जाता था, समझ गए आप लोग। और फिर जब बैठता ना तो ऐसी बैग खसका के ऐसे बैठ जाता, बैठने के बाद किसी को दिखता नहीं था। लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ, मैंने गरीबी बहुत देखी है, लेकिन मेरे दिमाग में गरीबी कभी भी नहीं घुसी, मेरे दिमाग में गरीबी कभी भी नहीं थी, कभी दिमाग में गरीबी नहीं थी। मुझे बचपन में भी अगर किसी ने पूछा ना, बड़े होके क्या करोगे, मैं बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा, इम्पाला खरीदूंगा। घर तो बहुत छोटा सा था, साइकिल थी नहीं, लेकिन हम लोग सोचते थे इम्पाला खरीदेंगे, क्योंकि वो पिक्चर में तभी काली रंग की लंबी इम्पाला बताते थे, मैंने सोचा इम्पाला ही लेनी चाहिए। और बड़े होते गए वैसे ही डैडी की CA पूरी हुई, उनको बहुत अच्छी नौकरी लग गई, और नौकरी जैसे उनका बहुत अच्छा जॉब था, एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग फर्म के लिए काम करते थे, तो हालात बहुत अच्छे होने लगे। मुझे अभी भी याद है कि 9th में जब मैं था, हमारे घर में कार आ गई थी, तो बहुत सा लाइफ हमारा चेंज हो गया। और डैडी ने हमको, मेरे मम्मी डैडी बहुत अच्छे प्रोवाइडर हैं, जो हमको, जो हम चाहते थे वो हमको सब कुछ मिला। इनफैक्ट मेरे जीवन में कोई नेगेटिव नहीं था। हमने बहुत बार देखा है कि जीवन में नेगेटिव होता है, माँ बाप हमको बोलते ये मत करो वो मत करो, हमारे मम्मी पापा ने हमको कभी नहीं बोला ये मत करो वो मत करो, सिर्फ एक ही बोलते थे, संगत अच्छी रखना। हमारी एरिया जो थी ना, वहाँ 1300 झोपड़पट्टी थी, 1300 घर थे, झोपड़पट्टी में था, लेकिन वो बोलते थे यहाँ संगत नहीं करना आप लोग। अभी भी हमको पता है कि उस 1300 घरों में हम 4-5 घर के बच्चे पढ़ लिख गए, बाकी कोई पढ़ा लिखा भी नहीं। तो संगत का असर, हमारी मम्मी डैडी ने हमको बचपन से बोला था कि अच्छी संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो। हमारी मम्मी डैडी ने हमको ऑनेस्टी सिखाई, उन्होंने हमको फैमिली लाइफ सिखाई, क्योंकि मेरे पापा 7-7:30 को घर पे आ जाते थे, बम्बई में होके भी बहुत बिजी होते थे, फिर भी 7-7:30 को घर पे, छुट्टी के दिन घर पे, बर्थडे के दिन घर पे, त्यौहार के दिन घर पे, कभी काम पे नहीं रहेंगे। वो बोलते थे पैसा नहीं चाहिए मुझे, फैमिली लाइफ चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के साथ टाइम बिताना है। बहुत फैमिली लाइफ दी उन्होंने मुझे। और जैसे मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, बहुत पढ़ाई की मैंने, 10वीं के बाद मुझे साइंस में एडमिशन मिल गई, कहा चलो अभी बहुत पढ़ाई करेंगे। बम्बई के बहुत बढ़िया कॉलेज में था मैं, और वहाँ पर मैंने 12th करी, और सोचा अभी मेडिसिन के लिए एडमिशन लेना है। 16 घंटे पढ़ता था मैं, 16 आवर्स, 4 घंटे सोता था सिर्फ, 16 घंटे पढ़ता था मैं, पढ़ाई की और एडमिशन के लिए मैं गया, नहीं मिला एडमिशन, सिर्फ 3 मार्क्स एडमिशन नहीं मिला मुझे MBBS में। बहुत बुरा लगा, डैडी बोले डेंटल सर्जरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत से है, कुछ कर लो आप। मैंने कहा नहीं करेंगे तो MBBS ही करेंगे। और फिर मैंने जाके ज्वाइन कर लिया फिर से साइंस कॉलेज, मैंने कहा ग्रेजुएशन के बाद मेडिकल करेंगे, लेकिन करेंगे तो MBBS करेंगे। और मैंने शुरू किया मेरा फिर से। और होता क्या है पता है क्या, कि जैसे बॉम्बे में आप रहोगे ना तो बॉलीवुड है ना, वहाँ पर बहुत करीब है, हमारे तो घर के बहुत पास में वो फिल्म सिटी है, हमारे रास्ते से बहुत से फिल्म स्टार गुजरते हैं। बहुत बार ऐसा होता था कि दोस्त लोग घर पे आते थे, बोलते थे अरे वो विनोद खन्ना जा रहे हैं, अरे वो श्रीदेवी जा रही है, अरे वो अनिल कपूर वहाँ पर उद्घाटन करने आए। घर के करीब ही था फिल्म सिटी, तो मैं उनको हरदम बचपन से बोलता था मेरे को जाके उनको क्या देखना है भाई, ओके अगर टाइम आएगा एक दिन वो आके मेरे को देखेंगे, मुझे जाके उनको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, कभी भी जीवन में कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना। आपको पता है परमात्मा ने हमको पैदा किया है, हम वी आर द बेस्ट, हम सबसे बढ़िया है। ओके, जाओ और सुनो उसी का जिसका आपके जीवन में इंटरेस्ट हो, जो आपको आगे बढ़ाने वाला है, सिर्फ उसी को जाके सुना, उसी को जाके देखना आप, क्योंकि वही आपको कुछ कर सकता है। तो जैसे बॉम्बे मैंने कहा कि ये लोगों की हवा बहुत लग जाती है, मुझे भी हवा लग गई। सेकेंड ईयर में जब मैं था, मेरा अफेयर हो गया, और होता क्या पता है, एक लव अफेयर हो गया ना तो आदमी का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो सोचता है पहले यही करता है, तो दिमाग में आ गई शादी। फिर मैंने सोचा अभी BSc करेंगे, और फिर यहाँ पर कोई डॉक्टर है,
डॉक्टर को ही है, डॉक्टर 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 है ना डॉक्टर, हाँ डॉक्टर साहब है। सोच के देखिए, 7-7.5 साल लग जाते हैं, फिर इंटर्नशिप, बाद में क्लिनिक खोलेंगे, फिर चलेगा कि नहीं पता नहीं, राइट? ओके, तो मैंने सोचा भाई यार 8-9 साल चले जाएंगे, क्लिनिक भी चलेगी कि नहीं पता नहीं है, और फिर शादी कब करेंगे, अभी तो वैसे ही अपनी उम्र 21-22 है, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे। तो मैंने सोचा पापा को जाके पटाना पड़ेगा, अभी कैसे पटाएं, बचपन से बोल रहे हैं डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे। तो डैडी की सीए की प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया थी, डैडी ने 1977 में नौकरी छोड़ दिया था, और तभी से लेके हमको बोल रहे थे हरदम कि बेटा बड़े होंगे ना केले बेचना, बाकी कुछ भी करना लेकिन नौकरी नहीं करना। हम लोग के घर में हमने किसी ने नौकरी नहीं की है, क्योंकि हमने कभी उनको पूछा ही नहीं क्यों, पता नहीं क्या उनको क्या प्रॉब्लम आ गई नौकरी में, हमने कभी नौकरी का सोचा भी नहीं। तो मैं गया पापा के पास, मैंने पापा को कहा पापा ये मेडिसिन में बहुत साल लग जाएंगे, मैं सोच रहा हूँ आप जैसे सीए ही कर लूँ, आपकी प्रैक्टिस कौन संभालेगा, सही है ना, वीक पॉइंट है उनका, उनकी प्रैक्टिस संभालने वाला कोई नहीं था। वो बोले ठीक है तू कर तो लेगा सीए, लेकिन तू साइंस कर रहा है अकाउंट्स का। तो मैंने कहा भाई आपने पैदा किया है, आपका खून थोड़ा तो आया होगा, अकाउंटिंग थोड़ी तो घुसी होगी कि नहीं होगी। तो बोले ये भी सही है, और सच में आपको बताता हूँ मैं कि मुझे अकाउंटिंग की कभी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन क्या हुआ पता है, उसी दौरान एक फिल्म मैंने देखी, मेरी जंग। देखिए फिल्मों का टीवी का हमारे पे बहुत असर है, और बुरा असर ज्यादा है। तो मैंने देखी एक फिल्म मेरी जंग, आपने भी देखी होगी मेरी जंग, देखिए। हाँ तो मैंने मेरी जंग देखी, उसमें अनिल कपूर गरीब होता है, वो फिर वकील बन जाता है, फिर उसको गाड़ी भी मिल जाती है, बंगला भी मिल जाता है, पियानो भी मिल जाता है, मीनाक्षी शेषाद्री भी मिल जाती है। मैंने कहा ये बढ़िया यार, वकीली कर लेते हैं, ये सब कुछ अपने को मिल जाएगा। ओके, तो मैंने फिर जाके पापा को बोला अकाउंट्स तो समझ में आ गई, ये लॉ का प्रॉब्लम है, इसका क्या करूं। तो बोले हाँ सही, मैंने तेरे को बोला ही था प्रॉब्लम आएगी, एक काम कर तू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ज्वाइन कर ले। तो मैंने वहाँ पर, एशिया का सबसे अच्छा कॉलेज है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, राम जेठमलानी वगैरह सब लोग हैं ना वहाँ से पढ़े लिखे हैं, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और दिमाग में ये था कि वकील बनेंगे, राम जेठमलानी के जैसा, वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन इंडिया, ये समझ के मैंने जाके कॉलेज ज्वाइन कर लिया। और जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैं यूनिवर्सिटी में मैंने टॉपर टॉप किया है, मैंने हरदम फर्स्ट क्लास में मेरी एजुकेशन पूरी की है। उसके बाद मैंने लॉ में भी, मैं जब पास हो गया मैंने एडवोकेसी शुरू कर दी, और तभी टैक्सेशन में मुझे पूरा, मतलब पूरा टैक्सेशन में घोल के पी गया था। तो मैं जाके हाईकोर्ट में मैंने प्रैक्टिस शुरू की, और जैसे मैं वकील हुआ सनत मिली, शादी कर ली मैंने, और एक साल में एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ मुझे, जिसका नाम है सिद्धांत, वो अभी 10-11 साल का है। और फिर शुरू हुआ मेरा सिलसिला बॉम्बे का, और मेरी जो प्रैक्टिस है ना बहुत अच्छी सेट हो गई। 1-1.5 साल में मैंने बहुत तरक्की कर ली थी, क्योंकि पहले मैं जो हमारे पापा का जो हाईकोर्ट में केसेस होते थे, मैं हरदम जाके फॉलोअप में था, तो आई वॉज नोइंग किस तरह से इसको करना है। और मैं बहुत बचपन से मैंने कहा कि बहुत एम्बिशियस रहा हूँ, हरदम एक सोचता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हाथ में लूँ तो उसको पूरी करूँगा ही करूँगा। और तभी एक बहुत बड़ी चैलेंज आ गई हमारी लाइफ में, हमारे डैडी बहुत बीमार हो गए, और डॉक्टर ने कहा कि इनको बम्बई में नहीं रखना, इनको पोल्यूशन से दूर लेके जाओ। तो हमने कहा कहाँ लेके जाए, तो बोले आपका कोई नेटिव है, बोले हाँ ना हम कोल्हापुर के हैं, तो बोले वहाँ लेके जाओ नहीं तो इनकी ज़िंदगी कम हो जाएगी। और जैसे हमारे मम्मी पापा ने हमको बहुत प्यार दिया था, हमने सोचा चलो एक तो एक और बिजनेस था, एक और प्रोफेशन था हमारी वकीली, और दूसरे और मम्मी पापा थे, तो हमने कहा प्रोफेशन छोड़ देते हैं, चलते हैं कोल्हापुर। पता नहीं था कोल्हापुर जाके क्या करेंगे, लेकिन चले गए फिर भी कोल्हापुर। एक बता सकता हूँ, कोल्हापुर में जाने के बाद वकीली शुरू करने के लिए, डॉक्टरी शुरू करने के लिए किसी की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो हुआ क्या, कोल्हापुर गए, किसी की पहचान नहीं थी, तो वहाँ पर मुझे एक वकील, बहुत बड़ा वकील था, उन्होंने मुझे जूनियर करके रख लिया। जूनियर का मतलब क्या पता है, पगार तो मिलता नहीं, काम सारा करो और खुद के पैसे भी खर्च करो। तो वहाँ पर मैंने काम शुरू किया, इतना हालत ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि जिनसे मेरी लव अफेयर थी उन्हीं से शादी की थी, और घर में खाने पीने के भी वांदे हो गए थे हमारे, खाना पीना भी कभी कभी नसीब नहीं होता था। सोचा करें क्या अभी, तो फिर मैंने बॉम्बे आना शुरू किया सैटरडे संडे। इनफैक्ट बॉम्बे हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, तो हर फ्राइडे को मैं जर्नी करता था, सैटरडे संडे बॉम्बे में रह के वहाँ पर अकाउंट्स वगैरह के काम करता था, और मंडे को मैं फ्लॉपीज जानते हैं आप लोग, कंप्यूटर की फ्लॉपी होती है पुरानी जो फ्लॉपी थी, 50-50 फ्लॉपी के डब्बे, यानी 500-500 फ्लॉपी उठा उठा के कोल्हापुर लेके आता था, और वो बेच के उसमें से जो पैसा है उसे मैं घर चलाता था। तो धीरे 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 सब कुछ चलने लगा, और उसी में से मैंने इतना पैसा कमा लिया कि मैंने एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोल दी, वहीं पर मैंने कंप्यूटर स्टेशनरी का शॉप खोल दिया, और मेरी वकीली भी सेट होने लग गई। 98 में जब मैंने बिजनेस को देखा, मैं बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल था, यानी पैसा वैसा ठीक से आने लग गया था, दुकान लाइन पे आ गई थी, दोनों दुकानें मतलब बिजनेस ओनरशिप बहुत अच्छी थी। और ऐसे ही एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, और एक बंदा आया मेरा दोस्त, और उसने कहा कि मैंने एक बहुत बढ़िया बिजनेस देखा है, और मैं चाहता हूँ कि आप आके उसको देखो और मुझे सलाह दो कि ये बिजनेस मैं करूँ या नहीं करूँ। तो आपको पता है वकील और डॉक्टर, हमारा तो काम ही लोगों को सलाह देना है ना, तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो फिर और एक बात उसने मुझे बहुत बेतुकसी पूछी कि साहब आपका कोई आपका सपना जीवित है क्या, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मैं सपने बहुत देखता हूँ, मैं हरदम लोगों को बोलता हूँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो उसने मुझे ये भी पूछा आपका कोई सपना जीवित है क्या नहीं, मैंने कहा सपने भी कभी मरते हैं क्या।
लेकिन आपको एक बता सकता हूँ, गए 3.5 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, लोगों के सपने तो क्या, मैं तो देखता हूँ कि जिंदे लोग ही मरे हुए हैं। कोई सपना ही नहीं है, कुछ कोई उद्देश्य ही नहीं है उनके पास, कोई उद्देश्य नहीं है, जी रहे हैं बस। आपको पता है क्यों जी रहे हैं? जिंदा है इसलिए। कोई कोई उद्देश्य नहीं है उनके जिंदगी में। लेकिन तब बात समझ में नहीं आई थी, गया में एक छोटा सा कैबिन था, दिमाग में यही था कि जाके गलतियां निकालूंगा और इसको आगे बोलूंगा ये नहीं करना। एक छोटे से कैबिन में मीटिंग हो रही थी, प्लान में मैं 4 बार उठा था, 4 बार उठ के भाग रहा था। मैं बोला ये भी ऐसा भी कभी होता है क्या? जब उसने मुझे पहली बार बताया ना, आपको वो तभी 40,000 बताते, 40,000 कमाना कैसे लगेगा, 4 महीने में आपको 40,000 आएगा। मैंने बोला बेवकूफ समझ के रखा है क्या, 27 साल की पढ़ाई की है, 7 साल से वकीली कर रहा हूँ, अब भी जाके कहीं ऐसा पैसा देख रहा हूँ, तू बोलता है 4 महीने में मिल जाएगा, बेवकूफ समझ के रखा है क्या, बना रहा है क्या? लेकिन बोला बैठा तो सही, और उसने मुझे बताना शुरू किया। 1 घंटा कुछ बता रहा था, दिमाग में पल्ले बात कोई भी नहीं पड़ी। ओके, 2 ही बातें पल्ले पड़ी। एक बात ये कि इससे सपने पूरे हो सकते हैं, और दूसरी उसने बिल ब्रिट साहब के बारे में बात की कि ये आदमी करोड़पति है, दुनिया के पहले 500 अमीरों में से एक है। मैंने सोचा अभी उसने क्या बताया, विश्वास का बात नहीं था, लेकिन एक मैंने नोट की बात, वो बोला कि ये आदमी सिखाता है कि बिजनेस कैसा करना है। मैंने बोला अगर ये खुद करोड़पति है और इतना अमीर है, अगर ये सिखाता है तो सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसको कहा कोई कागजात है, वकील लोग होते हैं ना कागजात मांगते हैं, मैंने बोला कोई कागजात वागजात है क्या? उसने मुझे 22 पन्ने दे दिए पढ़ने को, और फिर मैंने बोला प्रोडक्ट्स कौन से बता, तो वो लेके गया मुझे नासिर काजी के पास। नासिर तो थे नहीं, नासिर भी मेरे दोस्त है, नासिर वकीली कर रहे थे, हम लोग कोर्ट में एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन ये बिजनेस वो कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं था। तो मैं गया नासिर के ऑफिस में, वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे जो उन्होंने अमेरिका से लाए थे, क्योंकि तभी तो किट विट थी नहीं। तो मैंने वो प्रोडक्ट सारे देखे, मैंने बोला ये सब बढ़िया लगता है, सब कुछ सब बाहर का सामान है, और मुझे अमेरिका से पहले से प्यार रहा है। मैं हरदम सोचता अमेरिका जाऊंगा और वहाँ बहुत पैसा मिलता है, राइट, बहुत लोग जाते हैं यूएस पैसा कमाने के लिए, मैं भी सोचता यूएस कनाडा जाके बहुत पैसा कमाएंगे। मैंने देखा अरे वाह ये तो चल के आ गया अपने दरवाजे में। तो गया घर पे जाने के बाद पता नहीं क्या होने लगा, मैं घर पे 6:30 को पहुंचा और मुझे ऐसे दिमाग में कुछ नहीं था, लेकिन सारी चीजें गोल नजर आने लगी मुझे, हर जगह जीरो। सोच के देखिए, बच्चा गोल, बेटा गोल, बीवी गोल, सब्जी गोल, दाल गोल, हर चीज गोल, गद्दी गोल, पिल्लो गोल। मैंने बोला ये क्या हो रहा है मेरे को, सारी जगह जीरो नजर आने लगे, जीरो। लेकिन जीरो का आगे भी कुछ होना चाहिए, नहीं तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, सही है ना। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया, 7 बार पढ़ डाला मैंने, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। 40,000 विश्वास होता है क्या? नहीं होता विश्वास। सोच के देखिए, इतना पैसा देखते तो डर लग जाता है, लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना, मैंने खुद की इन्वेंटरी निकाली। सोच के देखिए, यहाँ पर कोई पहली बार आया, पहली बार मतलब सेमिनार को कोई पहली बार आया, सेमिनार को पहली बार आप आए पहली बार। अच्छा मुझे एक बताइए, ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग उसका कंप्यूटर बनाना है, कितने कंप्यूटर लगेंगे? हजारों कंप्यूटर लगेंगे, कितनी कीमत लगेगी? करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए लगेगी, राइट? हम करोड़ों में पकड़ते हैं, चलो करोड़ों अरबों रुपए लग जाएंगे। सोचिए आंख निकालनी है, 5 लाख देता हूँ, कोई आंख निकाल के देगा? कोई भी नहीं देगा। हाथ निकालना है, 10 लाख देता हूँ, कोई देगा? हार्ट का, मेरे डैडी का अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, 2.5 लाख रुपए खाली छोटे से ऑपरेशन का लग गया। सोच के देखिए, पूरी बॉडी कितने की है? करोड़ों रुपए की। कमाते कितना है? 10,000 रुपया। ब्याज निकल रहा है क्या? ब्याज निकल रहा है? नहीं ना, नहीं निकला ना। सोचा कभी? कभी सोचा ऐसा? नहीं सोचा ना। सोचना शुरू कर दो। ओके, तो मैंने एक सोचा, देखिए बेवकूफ होते हैं, मैं भी बेवकूफ था, लेकिन मैं थोड़ा इंटेलिजेंट बेवकूफ था, ठीक है ना। मैंने सोचा पढ़ ही लेते हैं, मैंने पूरा बॉडी का, मैंने बोला ये सही है, कितना भी पैसा कमा सकते हैं, इतने लोग कमाते हैं तो अपन भी कमा सकते हैं। तो फिर मैं आईने के सामने जाके खड़ा हो गया और मैंने आईने को बोला, मैं हरदम निर्णय खुद से खुद लेता हूं, मैं किसी बाजू वाले को जाके नहीं पूछता मैं करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मुझे बाजू वाले के जैसा नहीं बनने का है। तो मैंने जाके आईने के सामने खड़ा हो गया, आईने को पूछा, आईने में कौन दिखता पता ना आपको, तो मैंने उसको पूछा ये सब कुछ विश्वास तो नहीं होता, लेकिन ये चल गया तो अंदर वाला बोला बहुत अच्छा होगा यार। फिर मैंने उसको एक सवाल किया, किरण देसाई अगर ये तेरे लिए चल गया तो कैसा होगा? उसने बोला फिर तो बहुत ही बढ़िया होगा। और मैंने सोचा करते हैं इसको, सुबह सुबह चला गया नासिर गाजी के यहाँ पर, रात भर नींद नहीं आई, सुबह चला गया नासिर के पास। देखिए दिमाग में बुलाया था किसी और ने, चला गया किसी और के पास, नासिर के पास गया, नासिर को बोला नासिर तू तो मेरे को पहचानता है, मुझे साइन कर डाल। मुझे बोला तेरे को प्लान किसने दिखाया? बोला प्लान किसी ने भी दिखाया हो यार, जो जिसने मुझे प्लान के लिए भेजा था वो आदमी बिजनेस में नहीं हो, तो मेरी सलाह मांग रहा था, मैं सोच रहा हूँ मैं भी शुरू कर दूँ, उसको भी ले लूँ। बोला ठीक है काम कर, जिसने प्लान दिखाया वही साइन करेगा, जाके उससे परमिशन लेके आ जा, अगर वो तेरे को परमिशन देता है मैं तेरे को साइन कर लूंगा। बोला यार इतना अच्छा दोस्त है साइन कर लेना। बोला नहीं ना उसी की परमिशन, यहाँ पर ऐसा होता है जिसने प्लान दिखा वही साइन करता है। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, ऑनेस्ट बिजनेस है, राइट, पीछे पीछा कुछ नहीं होता। तो मैं गया, मैंने अभय देशपांडे को फोन किया, बोला अभय मैंने डिसीजन लिया है ये बिजनेस करना है, बस इसमें तो डायमंड जाना ही जाना है, तो तू भी मुझे साइन हो जा। तो बोलता मैं तुमको साइन नहीं हो सकता। मतलब क्यों नहीं साइन हो सकता, तू तो कल बोल रहा था तू सोच रहा है। बोला नहीं मैं तो पहले से डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बोला अरे
फिर मैंने थोड़े दिन के बाद लॉन्चिंग में फीचर देखा, उसमें उन्होंने बताया आपसे कोई स्मार्ट बंदा हो ना तो उसको यह बोलना, साहब आप आओ देखो जरा मुझे गाइड करो, मैं करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। तभी मुझे समझ में आया, मेरे जैसे डेढ़ छाने आदमी को डायरेक्ट भेज के नहीं चलता, राइट। तो उसने सोचा होगा इसको, ये डेढ़ छाना है ना, इसको ऐसे ही भेजते हैं। तो मैंने बोला ठीक है यार, साइन हो जाएंगे। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने एक ही अच्छा काम किया, क्या पता है, मेरे को स्पॉन्सर किया। मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर ने भी एक ही अच्छा काम किया, उसने मेरे स्पॉन्सर को स्पॉन्सर किया। वैसे बीच के छह लोगों ने एक एक ही अच्छा काम किया, और जो ऊपर है, सात ऊपर है, वो है नासिरन फरजाना काजी। अभी मेरे स्पॉन्सर डायरेक्टली नासिरन फरजाना काजी है, क्योंकि बीच के सारे लोग मिस्टर इंडिया, समझते आप लोग, मिस्टर इंडिया होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, ओके। अब पिक्चर में एक अंगूठी पहनी थी, यहां पर ये लोगों ने किट पहन लिया, है ना। हमारा किट पहन के भी बहुत लोग मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, ओके। बहुत महंगी चीज है लेकिन वो पहन के भी लोग मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। तो मिस्टर इंडिया हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो शुरू कर दिया। मैंने तो देखो कैसा है, पता है क्या हम लोग की तकलीफ कहां पर है, आपको बताता हूं। देखो तीन चीजें होती है आपको, कैंफर पता है, कैंफर कापूर, वो जो हम लोग भगवान के सामने जलाते हैं फट करके जल जाता है। कोयला देखा है, थोड़ी देर के बाद चलता है। गिल्ली घास देखी है, नहीं जलती, राइट। तो मेरा कैसा था पता है, एकदम कैंफर के जैसा, जैसा बिजनेस देखा आग लग गई। कुछ लोगों को थोड़े दिन के बाद लगती है, 8-10 दिन महीने के बाद। कुछ लोग होते हैं गिल्ले घास, और आप लोग टाइम कहाँ वेस्ट करते हो पता है, गिल्ले घास के पीछे। अरे बाबा उसके पीछे टाइम मत वेस्ट कर, तेरी माचिस खत्म हो जाएगी, तू गिल्ला हो जाएगा, वो गर्म नहीं होने वाला है, समझ गए आप लोग, वो गर्म नहीं होने वाला है, वो पूरी गिल्ली घास है। आपको ढूंढना है कैंपर और कोयला, जो जिसको आग लग सकती है, पता है थोड़ी तो लगनी चाहिए कि नहीं आग, राइट। तो मैंने तो पहले दिन से प्लान दिखाना शुरू, कोट लटका दिया सीधा, बोला अभी कोट नहीं जाना, यही ठीक है, इसी को कर लेते हैं, 4 महीने में 40,000 कमाने को शुरू करेंगे, वकीली फिर से कर लेंगे, वैसे भी 2 बार कर ही चुके, और एक बार कर लेंगे, फर्क क्या पड़ता है, राइट, इसको पहले कर लेते हैं। और शुरू किया प्लान दिखाने को, बहुत कम लोगों को पहचानता था, तो मैंने क्या किया, पहले कुछ लोगों को प्लान दिखाया, बोला एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड, मुझे लग रहा है करना चाहिए लेकिन विश्वास नहीं। मैंने बोला एक काम करो, तुम तुम्हारे घर पे कुछ लोगों को बुलाओ, मैं उनको प्लान दिखाता हूँ। मैंने 2 बोर्ड बनवाए थे, एक था 2x3 का और एक था 2x1 का। 2x1 का था पप्पी बोर्ड, जिसको मैं मोटरसाइकिल पर लेके घूमता था, यहाँ पर पीछे लटकाता था, लेके घूमता था पूरे दिन, 5-6-7 प्लान। पहले महीने में मैंने 450 लोगों को प्लान दिखा के 42 लोग को पहले महीने में साइन कर डाला, समझ गए आप लोग, पहले ही महीने में इतनी आग लग गई थी, ओके। लेकिन 408 लोगों ने ना भी तो बोला था, 408 लोग ना बोला मुझे, पता है आपको, 408 लोग ना कैसा भी बोल सकते हैं, कैसा बोलते हैं पता, कुछ लोग नहीं करने का है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करने का है, कुछ लोग क्या बोलते हैं पता, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे यार पैसा नहीं है, कर ले पैसा आ जाएगा यार। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं पता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम आने वाला है क्या डॉक्टरी करके, वकीली करके? देखो हर तरह से लोगों ने मेरे को ना बोला है, हर तरह से लोग ना है ना। कुछ लोग मतलब अलग अलग, कुछ लोग क्या बोलते पता है, मेरी बेटी की शादी है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे बेटे की पढ़ाई है, 10वीं है, तू पढ़ रहा है क्या, तू पढ़ रहा है, तेरा बेटा पढ़ रहा है। और वो अगले साल आप जाओगे ना, अगले साल तो क्या बोलता है पता है, कि अभी मेरी बेटी 10वीं में आ गई, उसके अगले साल क्या होने वाला था, उसका बेटा 12वीं में चला जाएगा। तो करेगा नहीं, आपको ना लोग किसी भी तरह से बोल सकते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, जो बहाने। और कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे है, अरे थोड़ा कॉमन सेंस वापरना चाहिए। मुझे एक समझ में नहीं आता प्रोडक्ट महंगे कैसे है, सोच के देखिए 35 रुपए की टूथपेस्ट 12 महीने यूज करो, कितना पैसा खर्चा हुआ, 420 रुपया। हमारी 110 रुपए की 12 महीने यूज करो, कितना खर्चा हुआ, 1320 रुपया। डायरेक्ट बन जाओगे, 54,000 मिला, खर्चा किधर ज्यादा हुआ, खर्चा किधर ज्यादा हुआ, इधर या उधर। आई डोंट अंडरस्टैंड प्रोडक्ट महंगा क्या है, प्रोडक्ट तो पैसा कमा के दे रहा है। दांत घस घस के कोई अमीर बना है बाहर, खाली यही जगह जहां लोग दांत घस घस के अमीर बन रहे हैं। आपको पता है सिल्वर के पहले मैं 2 बार दांत घसा था, अभी 4 बार दांत घसता हूँ, क्यों पता है? 2 बार दांत घसने से लखपति बन गया, सोचा 4 बार घसने करोड़पति बन जाएंगे, है कि नहीं। दांत घसो यार, दांत घसने का है, दूसरा कुछ नहीं करने का है, नहाने का है, धोने का है, खुद को साफ रखने का है, खुद को साफ रखने का बिजनेस है, पता है, अंदर से और बाहर से। मैंने तो शुरू कर दिया, बस लगाते रहे। इनफैक्ट पहले 1-2 हफ्ता कोई साइन नहीं होता, मैं सिर्फ प्लान ही प्लान दिखा रहा था, लिटरेचर सबको मैं ही दे रहा था, फॉलोअप मैं ही कर रहा, सब कुछ मैं ही कर रहा था। एक दिन रात को 12:15 बजे घर पे जा रहा था, तो मेरा जो अपलाइन है नासिर फरजाना काजी, नासिर काजी मिला, उसका ऑफिस रस्ते में पड़ता था। फिर बोला किरण इधर आ, 12:15 बजे रहा था, बोलता कहाँ गया था, बोला बोर्ड दिखता नहीं, प्लान दिखा के आ रहा हूँ, कोर्ट तो लटका दिया, मैं जाता ही नहीं, डेट ले रहा हूँ। तो बोलता है अच्छा कोई साइन हुआ, बोला अभी तो कोई तैयार नहीं हुआ लेकिन होंगे। मैं बोलता सोच कोल्हापुर में कोई साइन नहीं हुआ तो, बोला यार रात को 12:15 बजे रुका के ये पूछ रहा है क्या तू, नेगेटिव दे रहा है मेरे को रात को 12:15 बजे, क्यों फ्रस्ट्रेट कर रहा है मुझे। बोलते नहीं नहीं एक ऐसा पूछ रहा हूँ तेरे को, नहीं साइन हुआ तो क्या करेगा। बोला बाजू में जिला है ना सांगली, वहाँ चला जाऊंगा। बोलते वहाँ को नहीं हुआ, बोला यार देख 12:15 बज रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, सांगली में कोई साइन हुआ पूरे महाराष्ट्र में जाऊंगा, महाराष्ट्र में कोई नहीं हुआ महाराष्ट्र के बाहर जाऊंगा, इंडिया में कोई नहीं हुआ इंडिया के बाहर जाऊंगा, जब तक दुनिया का आखिरी आदमी मेरे को ना नहीं बोलता मैं बिजनेस नहीं छोड़ने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू लिव इट, ओके।
तो ये जज्बा होना चाहिए। क्यों पता है? सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवेयर, सिक्स विल, कहीं ना कहीं तो छह मिलेंगे, ढूंढना है हमको, राइट? कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने शुरू किया, लगता रहा कि मैंने कभी 12% के नीचे बिजनेस को देखा ही नहीं है, मैं 12% के ऊपर ही ऊपर। और शुरू हो गया, मैं बिजनेस ऐसा बढ़ने लगा तेजी से। और मुझे एक दिन याद आता है, क्योंकि मेरा बिजनेस में उस दिन बहुत विश्वास बढ़ा था, 9 मई 1998 बॉम्बे में एक रैली हुई थी, पहली रैली इंडिया की हुई थी बॉम्बे में, 6-7 हज़ार लोग थे और उस रैली को हम लोग बैठे थे। और वहाँ पर कुमार थे, कांति गाला आके गए, बहुत से डायमंड्स लोग, कुलीन देसाई, मणिपाल रेड्डी, बहुत लोगों ने बोला। लेकिन उस दिन एक्साइटमेंट मुझे एक बात की लगी, 9:45 रात को एक लेडी स्टेज पे आई, रूबी मेयर, फिलीपाइंस से आई थी, और वो व्हील चेयर पे बैठी थी, उनका ये टूट गया हड्डी यहाँ का। और उन्होंने फिलीपाइंस में पहले दिन जब फिलीपाइंस में बिजनेस शुरू हुआ था, उन्होंने 2,361 किट पहले दिन साइन कर दिया था, और वो डबल डायमंड थी। मैंने एक ही बात सोचा, ये औरत जो चल नहीं सकती, जो व्हील चेयर पे बैठ के डबल डायमंड चली गई है, अगर ये कर सकती है तो किरण देसाई जरूर कर सकता है उस दिन। ओके, तो यही है। उस दिन मैंने और एक चीज ली, ब्रिट किट। एमवे किट तो थी मेरे पास, ली मैंने और एक ब्रिट किट। पता है ये एमवे किट और ब्रिट किट का बहुत बहुत अलग कॉम्बिनेशन है। आपको पता है एमवे किट क्या है? KIT, और ब्रिट के भी किट में KIT है। आपको पता है एमवे का किट क्या है? कितने इसमें टिकेंगे, जो टिकेंगे वही ऊपर दिखेंगे। समझ गए आप लोग? अभी कुछ लोग बोलते हैं कैसे इसमें टिकेंगे, ले लो ना ब्रिट किट, क्योंकि वो भी है KIT, कैसे इसमें टिकोगे, उसमें बताया ना सब कुछ, कैसे इसमें टिकोगे, वो ले लो, टिक जाओगे, प्रॉब्लम नहीं है। आपको बताऊं, जिस दिन मेरे घर पे पहली बार किट आया था ना, पहली बाटली मैंने बाहर निकाली थी, डिश ड्रॉप्स 420। मैंने बोला लॉयर 420, बोला चार, मैं तो ऐसा नीचे बैठ गया था, अभी क्या करूं, और सर को हाथ पकड़ लिया था, 42 लोगों को साइन तो कर दिया था, किसी को पता नहीं था 420 की बाटली आएगी, मैं पूरा डर गया था, इनको मैं क्या बोलूं जाके। लेकिन मैंने एक सोचा है, पूरे दुनिया में कंपनी है, सारे जगह चल रही है, 420 का है, इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, राइट? और मैंने स्टडी करना शुरू किया। ओके, इसलिए मैंने बोला कि प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है। तो चलता रहा हमारा बिजनेस, बहुत बड़ा ग्रुप हो गया हमारा। और नवंबर 98 में मैंने कहा कि अब इस महीने तो सिल्वर जाएंगे, बस ये तो हो गया। मैंने अपलाइन को जाके बोल दिया, दिस मंथ आई एम गोइंग सिल्वर, नोबडी कैन स्टॉप मी, क्योंकि ग्रुप बहुत बढ़ रहा था, 5-6 लेग्स हमारी ग्रो हो रही थी। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। आप अगर आज यहाँ पर बैठे हो ना, तो भगवान की मर्जी के बगैर नहीं आ सकते हो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, भगवान की मर्जी है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, तो वही हुआ। मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया फिर से। मेरी जो वाइफ थी वो मतलब मैंने उनको खो दिया 4 नवंबर 1998, और पूरी जिंदगी मैंने वर्स्ट सिचुएशन मेरी लाइफ का वही 4-5 महीने थे, नवंबर से लेके मार्च तक पूरा नेगेटिव में चला गया, जिंदगी पूरी नीचे आ गई मेरी। मुझे अभी भी अगर वो 4-6 महीने जब मैं सोचता हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक पलंग पर बैठा रहता था और दिन रात सिर्फ रोता रहता। मैंने एक दो बार तभी सुसाइड कमिट करने की भी कोशिश की। अगर मैं एमवे में नहीं होता ना, तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मैंने शुरू किया, मैं वहां पर ऐसे रोता रहता था। मेरा जो बेटा है ना, वो मुझे संभालता था, 6.5 साल का मेरा बेटा, वो मुझे संभालता था, वो मेरा पिताजी बन गया था 3-4 महीने के लिए। और मैं पूरा घर में नेगेटिव बैठा रहता था। मैं एमवे से नेगेटिव नहीं हुआ था, मैं मेरी जिंदगी से नेगेटिव हो गया था। लेकिन तभी नासिर फरजाना काजी मेरे लिए दुआ मांगते थे, सिर्फ दुआ नहीं, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते थे, इनफैक्ट फरजाना भाभी तो हज जाके आई मेरे लिए कि इसके लिए कुछ दुआ मांगी जाए। आज मैं जिंदा हूं, मैं यही बोलता हूं कि मेरी जो स्पॉन्सर है, मेरे माँ बाप के जैसा है, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। सोच के देखिए, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव हैं, बहुत लोग प्रदेश में रहते हैं, कोई हमको फोन भी नहीं करता। अगर फोन करेगा भी तो भी वो बिल का सोचता है। लेकिन डॉक्टर बलदेव तनेजा हर 2 दिन में मुझे फोन करते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा मेरा सुनते रहते। मैं उनको कुछ भी बोलते रहता, वो मुझे सुनते रहते थे। लेकिन हरदम एक बोलते थे, किरण तुमको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा है, उसके लिए तुमको कुछ सोचना पड़ेगा। और मैं उनको बोलता था, नहीं, मेरे ख्याल से जिंदगी खत्म हो गई, मैं जी नहीं सकता हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बोलते थे, नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ है। और मेरी डाउनलाइन है, 180 लोग मेरे ग्रुप में थे गायब, खाली 6 लोग बच गए थे, 174 लोग गायब हो गए थे, कहीं नजर भी नहीं आते थे, सारे मिस्टर इंडिया हो गए थे। सिर्फ 6 लोग थे जो हरदम मेरे घर पे आते थे, मुझे बोलते थे, किरण देसाई आपने हमको बिजनेस दिखाया, आपने हमको आशा दिखाई, आपने हमको सपना दिखाया, आपका कर्तव्य बनता है हमको दिशा दिखाने के लिए, हमको आप पे विश्वास है, आप कर सकते हो, आप चलो हमारे साथ सेमिनार में। आपने हमको बोला सेमिनार जाना होता है, और मुझे जबरदस्ती सेमिनार में लेके जाते हैं, हर महीने में एक बार पकड़ के मुझे सेमिनार लेके जाते हैं। मैं सोचता था क्या कर रहे हैं लोग मेरे साथ में। मेरी क्रॉसलाइन भी मेरे घर पे फोन करती थी, नहीं तुमको फंक्शन आना है, हमारे यहाँ से फंक्शन 400 किलोमीटर दूर। तो जनवरी में मैं एक फंक्शन को गया था, गिरीश पूर्णिमा देसाई, ऐसे ही हजारों लोग बैठे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो इंसान मेरे से कुछ बोल रहा है, शायद सिर्फ मेरे से बात कर रहा है। और उसने बोला,
कि क्यों भगवान आपको सिल्वर बनाएगा, 200 सवा 200 लोगों की जिंदगी आप पे डिपेंडेंट है, क्यों आपको वो डीडी बनाएगा, 1000 1500 लोगों की जिंदगी आप पे डिपेंडेंट है, क्यों आपको एमरल्ड बनाएगा, 10 12000 लोगों की जिंदगी चूल्हा आप पे डिपेंडेंट है, आपका वो शोल्डर का ताकत जो है, आपकी जो खांदों की ताकत है उसको चेक करने वाला है, और जब तक आपके खांदों में उतनी ताकत नहीं आती कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप जिस दिन स्ट्रांग लीडर बन जाओगे, जिस दिन उसको लगेगा कि अभी आपकी शोल्डर में ताकत है सबको उठाने की, उसी दिन आप सिल्वर भी जाओगे, गोल्ड भी जाओगे, डीडी भी जाओगे, एमरल्ड भी जाओगे और डायमंड भी जाओगे। उस एक सेंटेंस ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा यस, जिंदगी कहीं खत्म नहीं होती, इसको चलाना है, बस अभी अभी जीना है अपने बेटे के लिए, उसकी पूरी लाइफ सवार देनी है, ऐसा कुछ करना है जिंदगी में कि वो भी क्या याद रखे। और मैंने काम फिर से थोड़ा थोड़ा शुरू किया, लेकिन मैंने कहा कि पूरी नेगेटिव में था तभी हरदम, जैसे जॉन क्रो का एक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट द स्ट्रगल्स दैट कम योर वे आर इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट हाउ यू ओवरकम देम। आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि किस मुश्किलों के दौर से आप गुजर रहे हो, लेकिन उसको ओवरकम कैसे कर रहे हो, उसको पार कैसे कर रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बलदेव तनेजा को एक सवाल पूछा था, ये मेरे साथ क्यों हुआ, उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया पता है, जॉन क्रो ने एक बार बिलबिट को पूछा था, क्योंकि जॉन क्रो को यहां पर गोली मार दी है और वो जिंदा है आदमी, एक हाथ से फीता बांधता है, तो बिलबिट को जॉन क्रो ने पूछा है मेरे साथ क्यों हुआ, तब बिलबिट ने उनको जवाब दिया था, क्योंकि भगवान आपसे बहुत प्यार करता है, भगवान उन्हीं को मुश्किलें देता है जिनको वो प्यार करता है, और जिसके बारे में विश्वास है कि ये इन मुश्किलों से भी गुजर सकता है, तो मुझे बोला कि तुम गुजर सकते हो, इसके लिए तुमको मुश्किल आई है। मैंने उनको और एक बात पूछी थी, ऐसा कितने बार गिराएगा मुझे, कितने बार, तो उन्होंने मुझे बोला गिरना बुरी बात नहीं है किरण देसाई, गिरे पड़े रहना बुरी बात है, गिरे पड़ा रहना नहीं, आपको खड़ा रहना है। तो मैंने कहा कितने बार उठना पड़ेगा, उन्होंने कहा सिर्फ एक बार, बोला सिर्फ एक बार, हाँ ना, जितने बार भगवान गिरा सकता है तुमको उतने बार गिरो, लेकिन एक बार ज्यादा उठना, लास्ट टाइम जब तुम उठोगे भगवान सिर्फ देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा और देते जाएगा। और मैंने शुरू किया इस बिजनेस को, बहुत मेहनत की, तभी जब मेरा ये ऐसा सिलसिला चालू था, तभी मेरा बेटा हरदम मेरे पास आता और मुझे बोलता पापा मुझे नई मम्मी ला दो। तो मैं सोचता कि ये ऐसा कभी हो सकता है क्या, मैं उसको बोलता कि तुम गलत जगह मांग रहे हो, जाओ भगवान से मांगो, क्योंकि हमारे बंगले के बाहर बड़ा महादेव जी का टेम्पल भी है, मैं बोलता जाओ भगवान से मांगो, वो आपको देगा, जिसने छीना है उससे ही मांगो। तो जाता फिर मेरे पास आता, बोलता मैंने भगवान से मांगा है, मुझे मम्मी मिल जाएगी अब, रोज आके बोलता, रोज रोज रोज, उसने एक सपना डाल रखा था, पता नहीं उसको किसने बता दिया था। मेरी सोच क्या थी कि मुझे भी मिल जाएगी, लेकिन मेरे बेटे को माँ मिल सकती है क्या, यहाँ पर बहुत लेडीज बैठी हैं, क्या लगता है आपको माँ मिल सकती है, नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर आपका सपना है, आपका विश्वास भगवान पे है ना, कोई भी बात हो सकती है। क्योंकि जिस दिन स्नेह हमारे घर पे आई, मतलब मेरे डैडी ने उसको पसंद पसंद किया था, इनकी जो बहन की हस्बैंड है वो कोल्हापुर में रहते हैं, तो जब मेरे घर पे आई तो इन्होंने पहली बात मुझे यही कही कि अगर हमारा फिक्स होगा, अगर मैं शादी करने के लिए रेडी भी हो गई ना, तो एक ही कंडीशन पर मैं शादी करूंगी कि मैं फिर से माँ नहीं बनूंगी, मैं माँ सिर्फ सिद्धांत की बनूंगी। ओके मुझे दिया तो बहुत लोगों ने, लेकिन जो इन्होंने दिया है वो कोई नहीं दे सकता। शी हैज गिवन मी द बेस्ट। ओके तो जैसे ये आ गई, इन्होंने बताया कि पहले नेगेटिव थे, क्योंकि हमारा घर में ही सब लोग नेगेटिव थे, सब लोग सोचते थे इतना पढ़ा लिखा लड़का टूथपेस्ट बेच रहा है, शैम्पू बेच रहा है, उनको पता नहीं था एमवे बिजनेस क्या है। उनकी गलती नहीं है, घर वालों की गलती नहीं, उनको पता ही नहीं होता है। ओके तो मैंने शुरू किया, मैंने कहा कि बहुत नेगेटिव था वातावरण मेरा, जो पूरा नेगेटिव, मैंने बहुत मेहनत करना शुरू किया, मैं दूर दूर जाता था, मैंने कोल्हापुर में बिजनेस थोड़ा सा मैंने कम ग्रो किया तभी, और मैं बाहर जाता था, हमारे यहाँ से सोलापुर अराउंड 280 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाता था मैं 3-4 महीने, मैंने कुछ लोग वहाँ पर साइन किए थे। एक बार मैं गणपति के दौरान, घर में गणपति थे हमारे यहाँ पर, बहुत बड़ा त्यौहार होता है, मैं सोलापुर चला गया, होटल में रहा, और लोगों को मैंने कहा था आ जाओ मीटिंग करेंगे, मैंने सोचा बहुत मीटिंग होगी, बहुत लोग साइन भी हो जाएंगे। 3 दिन में होटल में पड़ा हुआ था, कोई मिलने नहीं आया मुझे, मैं वहाँ पर होटल में खाना भी खाता, मैनेजर ऐसा कुछ मुझे देख रहा था जैसे ये आदमी घर से झगड़ के यहाँ पर आ गया, यहाँ पर खाना वाना खा रहा है, मिलने कोई भी नहीं आता था। लेकिन आज मैं आपको बता सकता हूँ, सोलापुर में आज हमारा गोल्ड प्रोड्यूसर एक बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि वो 3 दिन वहाँ रह के मैंने एक ही सोचा, बिजनेस सोलापुर में करेंगे जरूर, यहाँ पर आते रहेंगे, मैं जाते रहा। उसके बाद नांदेड़ में मेरा एक डीडी है आज, वहाँ पर मैं पहले 6 महीने गया, एक पैसा मेरे उस आदमी ने नहीं बनाया था, 6 महीने में हर महीने में 2 बार जाता था, एक पैसा नहीं बन रहा था, एक भी पैसा नहीं बना, लेकिन मैं जाते रहा वहाँ पर। आज हमारे वहाँ पर 4-5 डीडी है, नांदेड़ हमारे यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैंने सोचा था नांदेड़ में बिजनेस करेंगे, क्योंकि इसको नांदेड़ शहर बहुत अच्छा लगता है, मैंने कहा हम नांदेड़ में बिजनेस जरूर करेंगे। सोच के देखिए, मेरे बिजनेस का पहला डीडी है ना,
वो मेरा 15 डीप है, 21वें महीने में साइन हुआ है मेरे बिजनेस के। जो मेरा दूसरा डीडी है ना, वो मेरा फ्रंट लाइन है, वो 19वें महीने में साइन हुआ है। जो मेरा तीसरा डीडी है वो भी मुझे 21वें महीने में मिला है। वो साइन जल्दी हो गया था, लेकिन 21वें महीने में कंकन समीना भट्टाचार्य का प्रोग्राम देखकर एक्साइट हो गया था। आप बोलोगे 18 महीना क्या कर रहा था, इनको ढूंढ रहा था मैं, यही तीनों को ढूंढ रहा था मैं। ओके, और आज हम लोग महीने का लाख रुपए से ऊपर इसलिए नहीं कमाते क्योंकि तीन लोगों को डीडी बना दिया है, इसलिए कमाते हैं क्योंकि हमने इतनी चैलेंजेस देखी है, इतनी ना देखी है। जिस दिन आप भी इतनी ना देख लोगे ना, आपकी भी महीने की इनकम 1 लाख के ऊपर आने लग जाएगी। आपको फेलियर देखना पड़ेगा। बहुत किया है, बहुत जगह प्लान दिखा है, बहुत लोगों ने ना बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल कोई ना बोलता है ना, मैं बोलता हूँ थैंक गॉड ना बोल दिया इसने। सोच के देखिए, मेरी चीज है, मैं दे रहा हूँ, उसने नहीं ली, नुकसान किसका हुआ, मेरा या उसका? उसका नुकसान हुआ, मेरा थोड़ी ना कोई नुकसान हुआ, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो एक ही है, आपको लोग मिलते जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको जितना हो सके लोगों को प्लान दिखाते चलो। आज सोच के देखिए क्या लाइफस्टाइल है। मैंने बहुत लोगों को जिनकी ना सुनी है ना, उनका मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, बजाज सुपर गाड़ी होती है, बजाज सुपर देखी है यहाँ पर, होती है बजाज सुपर, वो टेढ़ी करके किक मारनी पड़ती है, होती है ना यहाँ पर, तो उसके पास वो गाड़ी थी, मेरे पास समुराई थी। मैंने उसको बोला चल करते हैं बिजनेस, अमीर हो जाएंगे, 98 में बोला था उसको। मुझे क्या बोलता पता है, ऐसा भी कभी होता है क्या? मैं आपको बोलूं, आज मेरी जो गाड़ी है ना 15 फीट लंबी है, इंडिया में सिर्फ 246 लोगों के पास है। मेरे पास बलेनो अल्टुरा है, ओके, अराउंड 9.5-10 लाख का गाड़ी है। आज भी वो उसी गाड़ी को चलाता है, उसका नंबर प्लेट भी चेंज नहीं हुआ है। अगर एमवे करता तू मेरी जैसी गाड़ी लेके घूम रहा होता। क्या बोलता है पता है, तेरे को जम गया, मेरे को नहीं जमता यार। तेरे को क्यों नहीं जमता, तू मेरे जैसा नहीं है क्या, कुछ कम है तेरे में, है ना? लोग मुझे एक समझ में नहीं आता, लोग ऐसा क्यों सोचते कि नहीं हो सकता है? करना चाहे ना तो कोई भी कर सकता है। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग बहुत गरीब है, नहीं कर सकते। ओके, हमने कोई सोच के देखो, गरीब, देखिए गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मरना पाप है, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, आपको कुछ करना पड़ेगा गरीबी का। ओके, गरीबी का कुछ करो, निकालो उसको। मेरी अपलाइन का सपना है, इनफैक्ट मेरी अपलाइन डॉक्टर बलदेव तनेजा का जो सपना है, वो क्या पता है, जो कांति हिमीगाला का सपना है, जो बिल ब्रिट का सपना है, वो सपना क्या पता है, कि हमको इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। वो कब बनेगा पता है, जब आप सारों का घर सोने की चिड़िया बनेगा। ओके, हमको पहले हमारा घर सुधारना है। जिस दिन हमारा घर सोने की चिड़िया हो जाएगा ना, उस दिन ये देश भी सोने की चिड़िया हो जाएगा। हमको इस देश के लिए सोचना है, इस देश में हमको समृद्धि लानी है, हर आदमी को इकट्ठा होकर। ओके, और देखिए ये बिजनेस में आपको चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें बहुत आने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट, मुश्किलें बहुत आएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पढ़ाई लिखाई बहुत की होगी, आप अनपढ़ हो, किसी भी तरह के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस करते रहो, लगे रहो। बोलते हैं विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जो जीतता है वो छोड़ता नहीं, और जो छोड़ता है वो जीतता नहीं है। इतना याद रखना, जिंदगी की जो लड़ाई है वो तेज और ताकतवर नहीं जीतता है, जीतता देर या जल्दी या देर से वही जीतता है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। और अगर आप सोचते हो कि आप जीत सकते हो तो आप जीतोगे जरूर। अगर आप सोचते हो कि आप डायमंड जाओगे तो आप डायमंड जाओगे जरूर, आपको कोई नहीं रोक सकता। कैन यू टेल मी आई एम डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, 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 गॉड ब्लेस, गो डायमंड।